भूमाफियाओं से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाते हुए धनबाद के गोविंदपुर की महिला विमला देवी अपने बेटे के साथ धनबाद स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं से उन्हें लगातार धमकी मिल रही है। माफियाओं की मांगे नहीं मानने पर जान से मारने की सुपारी भी अमन सिंह गिरोह को देने की बात उन्होंने बताई, जिसकी वजह से वो भय में हैं और दहशत में जी रही हैं। विमला देवी ने बताया कि वो अपने बेटे के साथ कई महीनों से थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों के कार्यालय में आवेदन देकर इन भूमाफियाओं से छुटकारा दिलाने की गुहार लगा रही है। बावजूद इसके आज तक नामजद सारे अपराधियों की ना तो गिरफ्तारी की गई है और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पीड़ित महिला विमला देवी ने आज पुलिस मुख्यालय पहुंचकर फिर एक बार गुहार लगाई। हम लोग का कब्जा कर लिया, हम लोग सभी जगह आवेदन दिया, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई उचित कार्रवाई नहीं हो रहा। और उसके बाद जमीन नहीं दे रहे तो जमीन माफिया लोग मारपीट किया, मेरे बड़ा भैया को जेल में भर्ती करवा दिया। अभी तक बेल होने नहीं दे रहे। एक लड़की को खड़ा करवा के झूठा केस में मेरे भैया को अंदर करवा दिया। आज एक साल से मेरा बड़ा भाई जेल में बंद है। वहाँ तक बेल होने नहीं दे रहा। बेल होने भी नहीं दे रहा। जमीन माफिया कौन है? जमीन माफिया है मानिक रोज और मंजीत सिंह। ना हो रहा, नया नया मेरे साथ परेशानी हो रहा है। कैसे कैसे? एक घर जमीन है वो भी हड़प लिया है, वो दुकान है वो भी हड़प लिया। हम लोग रोड में आ गया, दुकान चोरी करवा दिया है, शूटर बेटा को फोटो खींच के ले गया। कहाँ पर जमीन आपका है? साहेबगंज रोड में एगो घर बाड़ी है, छोटा सा जमीन है, उसमें लिए हैं कि यहाँ शांति से रहें। तो वहाँ भी आदमी लग के अभी काम हो रहा है, जो काम रोक नहीं रहा। थाना सब भी दौड़ के आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते हरेसमेंट हो गए हैं। किनके नाम पे जमीन है? मेरा नाम विमला देवी। शूटर कौन है, कौन धमकी दे रहा? अमन सिंह मांग कर रहे हैं जमीन दे दो, तेरा बेटा को तेरा दामाद को चारों को मार देंगे। नहीं, आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से इंसाफ मांग रहे हैं कि मेरा चीज हमको वापस चाहिए आप लोग के द्वारा से, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं। आपको बता दें कि धनबाद और आसपास के जिलों में इन दिनों अमन सिंह गिरोह का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कई लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। हालांकि पुलिस समय समय पर अमन सिंह गिरोह के गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है, लेकिन अमन सिंह का दहशत जिले में कम होने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।